उर्वशी ने करीब 900 स्कूलों के साथ मिलके प्रत्यक्ष रूप से 1,50,000 लड़कियों की और अप्रत्यक्ष रूप से 2,70,000 लड़कियों की जिंदगी बेहतर की है। नमस्कार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास सामाजिक उद्यमियों यानी सोशल एंटरप्रेन्योर्स की। आजकल एक नया टर्म बहुत चल रहा है जो हम अक्सर न्यूज या बिजनेस मैगजीन्स में सुनते और देखते हैं, सोशियोप्रेन्योर्स। ये शब्द दो शब्दों को मिला के बना है, सोशल और एंटरप्रेन्योर। ये शब्द उन बिजनेसमैन या वुमेन यानी व्यापारियों को कहा जाता है जो कि अपने बिजनेस से समाज और पर्यावरण की कई समस्याओं का समाधान करते हैं। भारत जैसे देश में ऐसे नौजवानों की सख्त जरूरत है। बिजनेस करना आज के जमाने में अपने आप में एक मेहनत का काम है। उसमें आप अगर ऐड कर दो समाज और पर्यावरण की समस्याओं को, तो आप डील करते हो कम लेबर, कम पैसा और कम साधन अपने काम पूरा करने के लिए। तो सोशल एंटरप्रेन्योर बनना अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हीरोज यानी नायक और नायिकाओं की जो दुनिया में बदलाव ला रहे हैं और सोशल प्रेन्योर होने के सभी मुश्किलों को बखूबी संभाल रहे हैं। आइए पहले हम आपको बताते हैं उर्वशी साहनी के बारे में। उर्वशी संस्थापक और CEO है अपनी ऑर्गेनाइजेशन शेफ स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन की। ये ऑर्गेनाइजेशन उन लड़कियों को शिक्षा प्रदान करवाती है जिन्हें कम उम्र में ही काफी खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। उर्वशी ने करीब 900 स्कूलों के साथ मिलके प्रत्यक्ष रूप से 1,50,000 लड़कियों की और अप्रत्यक्ष रूप से 2,70,000 लड़कियों की जिंदगी बेहतर की है। उन्हें 2017 में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया था उनके इस निस्वार्थ काम के लिए। इनसे बेहतर और किसको ही मिलता ये खिताब, हम तो नहीं जानते। अब बात करते हैं जनाब हरीश हंडे जी के बारे में। इन्होंने सेल्को नाम की कंपनी की स्थापना की है जिसके वो अभी CEO भी हैं। ये भारत के ग्रामीण हिस्सों में स्थायी ऊर्जा स्रोत यानी सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स लगाते हैं। ये प्रोजेक्ट भारत का पहला सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम था। सोलर एनर्जी वो होती है जो सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। आज तक सेल्को ने 1,20,000 से ज्यादा इंस्टॉलेशंस किए हैं और 25 रिटेल और सर्विस सेंटर खोले हैं कर्नाटका में। कितना अच्छा लगता है ये सुन के कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में लगे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम आपको समय समय पे आपका बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया टिप्स देते रहेंगे। खाता बुक के साथ अब बिजनेस करना होगा आसान। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जरा अपने देसी लेवल के हीरोज की। ईट राजा जो कि मलेश्वरम में है, ये बिजनेस 40 साल से ज्यादा पुराना है। ये जूस बार आनंद राज के पिताजी का था। आनंद राज जी के पिताजी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया ताकि वो बड़ा आदमी बने, उनकी तरह जूस की दुकान न खोले। आनंद राज ने इंजीनियरिंग पूरी की और बैंगलोर में कामयाब आरजे यानी रेडियो जॉकी बन गए। कुछ समय बाद जब आनंद के पिताजी की मृत्यु हुई तो उनकी माँ अकेले बिजनेस संभाल रही थी। बिजनेस में घाटा होने लगा। आनंद ने अपने घर लौट के जूस शॉप को संभालने का फैसला लिया और उनमें एक ऑर्गेनिक ट्विस्ट यानी जैविक मोड़ लाने का सोचा। उन्होंने जीरो वेस्ट पॉलिसी अपनाई यानी कोई कूड़ा न बनाने की पॉलिसी। उन्होंने फलों को ऐसे काटना शुरू कर दिया कि वो ग्लास का काम करें। बहुत जल्दी इस नए कॉन्सेप्ट की मदद से उनका बिजनेस बढ़ गया। ये सिर्फ लोकल फल का इस्तेमाल करते हैं और गीले और सूखे कचरे को भी अलग से रखते हैं। यही नहीं, इन्होंने मलेश्वरम की कई और औरतों को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया और लोकल रेसिपीज का इस्तेमाल करके
एक छोटा कैफे भी खोल लिया। ये कैफे 20 रुपए से 100 रुपए तक में लोकल साउथ इंडियन खाना सर्व करता है। यही नहीं, अगर आप कुछ घर लेना चाहते हैं तो अपना डब्बा ला सकते हैं ताकि प्लास्टिक वेस्ट कम हो। कमाल ही कर दिया इन्होंने, क्या बिजनेस बनाया है। अब बात करते हैं हमारे अगले धमाकेदार सोशियोप्रेन्योर की, ध्रुव। मिरेकल कुरियर्स किसी चमत्कार से कम नहीं है, भारत के उन लोगों के लिए जो कि सुन नहीं सकते। ध्रुव को ये आइडिया तब सूझा जब वो बस में एक ऐसे लड़के के साथ बैठे थे जो सुन नहीं सकता था। वो लड़का बार बार बस के बाहर देख रहा था ताकि वो अपना बस स्टॉप न मिस कर दे। उन्होंने जब डिलीवरी के बारे में सोचा तो उन्होंने सोचा कि डिलीवरी में कोई बातचीत की जरूरत नहीं होती, आप चुपचाप जाके ये पार्सल डिलीवर करके 2 मिनट में वहां से निकल सकते हैं। उनका बैक ऑफिस 20 औरतें मैनेज करती हैं जो सुन नहीं सकती, और 44 आदमी जो सुन नहीं सकते कुरियर डिलीवर करते हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। ये एक अद्भुत बिजनेस है जो कि ऐसे लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करता है जो नॉर्मल वर्कफोर्स में नहीं काम कर पाते क्योंकि वो सुन नहीं सकते। इसके बाद बारी आती है अग्निश्वर जयप्रकाश के। अग्निश्वर बहुत ही बढ़िया तैराक थे। वो भारत के सबसे कम उम्र के पहले एथलीट थे, वर्ल्ड चैंपियन 2004। उन्होंने अपना ब्राइट फ्यूचर यानी सुनहरे सपनों को छोड़ के दुनिया को बेहतर जगह बनाने का फैसला किया। इन्होंने इग्नाइट इंडिया की स्थापना की। ये एक भारतीय प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन देता है इनोवेशन यानी नए आविष्कार करने और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने में मदद करता है। ये प्रोग्राम भारत में 7,000 से ज़्यादा स्कूलों के साथ जुड़ा है। आप कोशिश करें तो क्या नहीं कर सकते, राइट? तो इसी के साथ भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेती हूँ। और हाँ, अगर आप सब भाई लोग जानना चाहते हो कि रॉकेट सिंह मूवी से क्या सीखने को मिलता है तो स्क्रीन पे दिख रहे आई बटन को क्लिक करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट्स में बताओ कि आप अगले वीडियोज में क्या देखना पसंद करोगे। नमस्कार।